तलबा और फार्मर आज का हमारा अनवान है कमर्शियल हैचरी। कमर्शियल हैचरी में कि हम फर्टाइल अंडों से कैसे चूज़ों को हासिल करते हैं बुनियादी तौर पर जो हैचिंग है ये परिंदों में और रेप्टाइल जो रेंगने वाले परिंदों में अंडों से बच्चे निकलते हैं ये दो नौ ऐसी हैं कि जिसमें ये हैचरी इन्वॉल्व होती है एक रींगने वाले परिंदे जिनको रेप्टाइल्स कहते हैं और दूसरे परिंदे सबसे पहले हम इसके इनकोबेशन पीरियड की बात करेंगे इनकोबेशन पीरियड के जिस अरसे में एक अंडे से एक चूज़ा सेहतमंद चूज़ा निकलता है इसी तरह जितने भी परिंदे हैं अल्लाह ताला ने इसमें जो इसमें अंडे से चूज़ा निकलने का दौरानिया है वो मुख्तलफ है अगर हम मुर्गी चिकन की बात करें तो ये इक्कीस दिन है अगर हम बटेर की बात करें तो इसमें सतारा सिख सोलह या सतारह दिनों में एक अंडे से एक चूजा निकलता है और एक इसकी ब्रीड है जिसमें इससे ज़्यादा भी लगते हैं इसी तरह अगर हम बतख और मोर की बात करें तो इसमें अट्ठाईस दिन है अगर हम शेत्र मुरग की बात करें ये बतालीस से चौतालीस दिन में एक अंडे से चूजा निकलता है बुनियादी तौर पर जो हम अंडों से चूजे लेते हैं ये हैचिंग दो किस्म की है एक मसनू तरीके से और एक कुदरती तरीके से कुदरती तरीक़े में हमें एक ब्रूडिंग हैं और कुड़क मुर्गी दरकार होती है जिसमें हम एक अंडे लेते हैं 12 से 15 तक और एक कुड़क मुर्गी के नीचे रख देते हैं और वहाँ पे ये 21 दिनों में हैच होते हैं ये एक नेचुरल तरीका है लेकिन जो हमारा मौजू है वो है कमर्शियल हैचरी के बड़े पैमाने पर हम लाखों अंडों में से कैसे चूज़े ले सकते हैं उसके लिए आपको एक बड़ी ही स्पेशलाइज किस्म की हैचरी दरकार होती है और ये जो हैचरीज हैं ये मुख्तलिफ कंपनीज़ की अवेलेबल है पाकिस्तान में जो कि बहुत सी बाहर से आती हैं जर्मन यू एस से या जापान से इसमें ज़्यादा चिक मास्टर और डच मैन की आती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बेरी करती है मैंने कि नाइन्टी थ्री या सिक्स थाउजेंड से ले कर एक लाख चौदह हज़ार पंद्रह हजार ये डिपेंड करता है उसकी टेक्नोलॉजी कैपैसिटी और उसके मॉडल पर हम इसकी जो बात शुरू करेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वाल्व हैं कि अंडे को कैसे ब्रीडर फार्म से हम एच तक लेके आते हैं और फिर उसको अगर स्टोर करना हो तो कैसे स्टोर करते हैं और किस दर्जा हरारत पे करते हैं फिर उसमें हम सिलेक्शन ग्रेडिंग कैसे करते हैं फिर अगर साइल्ड एग हैं तो उसको कैसे रिमूव करते हैं उसके ऊपर अगर डस्ट हैं उसको कैसे रिमूव करना है फिर उसके बाद हम इसकी फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन रूम में करते हैं वो कैसे करनी चाहिए और इसके अलावा फिर हम इस अंडों को ट्रेज़ में सेट करते हैं और रैक्स में लगा के हैचरी में रख देते हैं एग रूम है यहाँ अंडे स्टोर किए जाते हैं जैसे कि यहाँ सरगोदा फार्म और चकवाल दूध सेटअप है यहाँ से गाड़ियों में अंडे लगाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद यहाँ अंडों की ग्रेडिंग होती है जैसे कि यहाँ पे इसमें ये हेयर लाइन एग्ज हैं और क्रैक एग्स हैं ब्रोकन हैं उनको निकाला जाता है मुकम्मल तौर पर उसकी बेहतरीन छानबीन करके उसे ट्रालियों में सेट किया जाता है सेट करने के बाद उसको एक मखसूस टाइम में यानी प्रॉपर एक टेन दस बजे या बारह बजे उसको सेटर में लेके जाते हैं पहले ये है कि हम एग रिसीविंग कि एग को कैसे हमने लेना है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है नॉर्मली ये होता है कि हमने आपने ब्रीडर फार्म है ब्रीडर फार्म से आप अंडे से चूजा जो आना है उसमें मेल और फीमेल को ब्रीडर फार्म में रखा जाता है और उसको हॉस्ट मैनेजमेंट और उसकी खुराक है इसका जिक्र हम पहले मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में कर चुके हैं जो अंडे देते हैं बर्ड्स वहाँ पर इसको कलेक्ट करते हैं कलेक्शन का टाइम चार से छः दफा इससे भी ज़्यादा है वहाँ पर इसको कलेक्ट करके डब्बों में पैक करके और एक ट्रक के जरिए जो ट्रक का भी एक मखसूस टेम्परेचर होना चाहिए उसको एच तक ले आते हैं अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब जो बॉडी उसका टेम्परेचर है चिकन का और जब वो अंडा ले करता है उसके रूम का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है फिर एग के ट्रॉक का टेम्परीचर डिफरेंट होता है फिर जहाँ पर हच का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और ये एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए अगर इसमें ज़्यादा वेरिएशन आती है तो जो फर्टाइल है जो उसके जो जरासीम मौजूद है जिससे बच्चा पैदा होता है तो उसके मरने के ज़्यादा चांस हैं तो आपका जो फर्टाइल एग है वो क्लियर एग साबित होगा हैचरी में कि उसमें से डेवलपमेंट सब चिक्स की नहीं होगी एक अच्छा अंडा सेहतमंद ब्रीडर ने एक सेहतमंद अंडे दिए आपने उसको वहाँ पे स्टोर करके अच्छे ट्रक के ज़रिए आप हैचरी में लें हैच हैचरी में सबसे पहले जो ट्रक्स आते हैं उसको फ्यूमिगेशन उसकी स्प्रे करते हैं ट्रक में और उसके जो ट्रक के ट्रक टायर हैं वो नीचे एक डिप्रेशन होता है ज़मीन पे एक उसमें पानी होता है कि उसमें टायर गुजरे और इसमें कोई डिसइंफेक्टेंट होता है गुजरे तो जितने भी जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं और ट्रक के ऊपर स्प्रे भी की जाती है कि बहुत सारी हैचरी में कि जो बाहर के फार्म के जरासीम है वो हैचरी के अंदर ना आ सकें जब ट्रक में एग हैचरी में आते हैं तो आप एग रिसीविंग रूम में एग्स को रिसीव करते हैं वहाँ पर डब्बों से इसको निकाला जाता है और वहाँ उसका एक ख़ास टेम्परेचर और नमी मेंटेन की जाती है एग जो स्टोर किया जाता है इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाउस का एक ख़ास टेम्परेचर रखें इसमें बुनियादी असूल ये हैं कि आप एग को तीन दिन तक स्टोर करें अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा है आप एक या दो दिन भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि आप तीन दिन तक इसको स्टोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हफ़्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही ज्यादा हैचिबिलिटी ये है कि आपने जितने अंडे लगाए उसमें चूज़े कितने निकले ये आपकी हैचिबिलिटी परसेंटेज है मिसाल के तौर पे आपने 100 अंडे हैचरी में लगाए और उसमें से 80 सेहतमंद चूज़े निकले तो हम कह सकते हैं कि इस हैचरी या इस चूज़े की जो हचबिलिटी अंडों की वो अस्सी है तो ये जो एग स्टोरेज है ये इसकी हचबिलिटी पे असरानंदाज़ होती है तो लिहाजा इसकी स्टोरेज में बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाए अगर तो आपने ये जो स्टोरेज है ये नॉर्मली हम जो 18 टेम्परेचर, 16 टेम्परेचर से लेके 22 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं अगर तो कम दिन के लिए है तो आप इसको 20, 18, 20 पे कर सकते हैं अगर आपने वन वीक के लिए करनी तो आपको 16 या 18 डिग्री पे इसको स्टोर करना चाहिए टेम्परेचर कि इसकी हैचबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आए जब एग को स्टोर करते हैं तो आप इसको फिर इसकी ग्रेडिंग करते हैं जो ग्रेडिंग है इसकी दो तरह से है एक तो वो जब एग्स को ग्रेड करते हैं तो इसमें जो फीसिस लगे होते हैं साइड लेग हैं उसको निकाल देते हैं ये मोस्टली आप फार्म पे ही कर देते हैं साइड लेग मीन के नॉर्मली जो ब्रीडर एग्स ले कर अंडे देता है उनके लिए केजस बने होते हैं छोटे छोटे डब्बे से जिसमें उनके अंदर जाके वो एग देते हैं लेकिन कुछ ब्रीडर ऐसे हैं कि जो ज़मीन में दे देते हैं साइड लग गया उसमें डस्ट लग जाती है उसमें फीसिस बीट लग जाती है तो उस एग को आप रिमूव करते हैं अगर आपका अंडा ज़्यादा कीमती है जीपी का अंडा है तो आप फिर उसको रिमूव कर देते हैं उससे फीसिस को उतार देते हैं सैंड पेपर से मोस्टली जो हमारे प्रैक्टिस है उसको ब्लेड से रिमूव कर दिया जाता है अगर थर्टी परसेंट से एग की सरफेस ज़्यादा डस्ट है साइड है उसमें स्टैंड है तो आप तो रिकमेंड की जाती है लेकिन इसको आप इसको एग को वाश करें वाशिंग रिकमेंड करें वो एक बड़ा ही स्पेशलाइज या ख़ास टेम्परेचर जो पानी का है उसमें इसको करते हैं लेकिन उसमें इसकी हैचबिलिटी कम हो जाती है आपने एग को जब रिसीव किया उसकी ग्रेडिंग की ग्रेडिंग के लिए मोस्टली जो हचरीज हैं इनके पास ग्रेडिंग मशीन होती हैं जो एग को उसके वेट के हिसाब से दो या तीन साइज़ और वेट में अलहदा कर देती हैं छोटे साइज़ दरमियाने और बड़े साइज़ के तो उसको वो वोहदादा कर देती हैं जो बहुत ही छोटा साइज़ है उसको भी हैचरी में नहीं लगाया जाता जो जैसा सबसे ज़्यादा साइज़ है उसको भी नहीं लगाया जाता मोस्टली दरमियाना साइज़ जो नॉर्मल है उसको हम रिकमेंड करते हैं कि इसको हचरी में लगाया जाए क्योंकि एक जैसा साइज़ होना ज़रूरी है इसकी यूनिफॉर्मिटी आती है आपने ग्रेडिंग की ग्रेडिंग करने के बाद आप उसकी एग्स को ट्रेज में सेट करते हैं यहाँ पे हच की स्पेशलाइज ट्रेज आप होती हैं उसकी ट्रेज एग ट्रे में सेट मैनुअली करते हैं वहाँ लेबर एक्सपर्ट मौजूद है और जो लेबर आप हाउस में रखते हैं उनकी डिसइनफेक्शन और उनका एक लहदा से ड्रेस होता है कि जरासीम कम से कम हाउस हचरी में है वो जब ट्रेंग करते हैं ट्रे में एग लगा के और वो ट्रे को साथ एक रैक्स होते हैं जो कि हचरी का हिस्सा है आप उसको रिमूव करके लेके आते हैं उसके नीचे व्हील लगे होते हैं और एक एक ट्रे को उसमें सेट करते जाते हैं जब ट्रे में आप उसको सेट कर लेते हैं फिर आप इन ही जो रैक्स हैं इसी तरह मूव करके इनको फ्यूमिगेशन रूम में ले जाते हैं फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें गैस के ज़रिए आप हाउ पूरे बंद कमरे में गैस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि शेल के ऊपर जितने भी जरासीम हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने में हेल्प करते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पोटाशियम परमगनेट जिसको आम तौर पे हम गाँव में लाल दवाई कहते हैं उसको लेते हैं और फार्मलिन जो कि एक गैस है उन दोनों को आपस में मिला के हाउस के अंदर रख देते हैं और एक खास मकदार में तो वो पूरे हाउस में फैल जाती है और अंडों को एक ख़ास चंद घंटों के लिए रखा जाता है कि वो जो गैस है वो पूरे हाउस में मौजूद रहे और अंडों के जो शेल हैं या है चीज़ की रैक्स हैं उसके ऊपर जितने भी जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएं इस प्रोसेस को हम फ्यूमिगेशन कहते हैं धूनी देना फ्यूमिगेशन को आम जबान में हम कह सकते हैं कि धूनी दी जाती है मुख्तलिफ केमिकल से जरासीम ख़त्म करने के लिए फ्यूमिगेशन करने के बाद आप रैक्स को या एक्स को हैचरी के अंदर ले जाते हैं और उसकी सेटिंग वहाँ पे हो जाती है और हैचिंग का ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और हैचिंग का ये प्रोसेस 21 दिन के लिए होता है अब हम हैचरी की बात करते हैं हैचरी में बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से हैं एक है सेटर और एक है हैचर जो सेटर है इसमें जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहर है कि इसमें एग सिर्फ सेट किए जाते हैं और इसमें एक दिन से ले कर अठारह दिन तक चूज़ों को इसमें ख़ास दर्जा हरारत और ख़ास नमी में रखा जाता है और अठारह दिन के बाद इनको हैचर में तब्दील कर दिया जाता है और हैचर की एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है और इसमें भी एक ख़ास किस्म का टम्परेचर और नमी को बरकरार रखा जाता है ताकि हचिंग हो तो जो सेटर है सेटर में हम एक्स रखते हैं और जो सेटर है बुनियादी तौर पे इसकी पांच बुनियादी ज़रूरिया हैं इसमें सबसे पहले इसका दर्जा हारत बरकरार रखना इसकी नमी को बरकरार रखना तीसरा इसकी पोजीशन एग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए नंबर चार इसकी टर्निंग इसकी मूवमेंट एग की कैसे होनी चाहिए इसके बाद एक पाँचवा पॉइंट है जो कि इलाकों में वेरी करता है लेकिन बुनियादी तौर पर इसको यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है आल्टीच्यूड हैचरी का सतह सम के किस लेवल तक आप इसको हैचरी को रख सकते हैं किस तक हैचिंग हो सकती है सबसे पहले हम बात करेंगे दर्जा हरारत की जो दर्जा हरारत है इसको हम हर जगह मुख्तल करते हैं और जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है वहाँ उसने एग ले किया फिर आप हाउस जो ब्रायलर ब्रीडर हाउस है उसका टेम्परेचर और है फिर आपने स्टोर किया उस टेम्परेचर और है जी फिर आपने ट्रक में ले के वहाँ का और है फिर आप हैचरी में ले गए तो ये एक नैरो रेंज में टेम्परेचर होना चाहिए इसमें फ़्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए अदरवाइज़ आपकी हचबिलिटी कम आएगी जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है सेटर में वो नॉर्मली हम 37.3 डिग्री रखते हैं और ये टेम्परेचर हम जो हैचर में है इसको आखिरी जो तीन दिन हम रखते हैं इसको आलमोस्ट थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव यानी कि कम कर देते हैं और ये दर्जा हरारत ऐसा है कि जिस वजह से इसकी सारे अंदर चीज़ की डिवेलपमेंट्स शुरू हो जाती हैं जैसा कि पहले अगर ये आप दर्जा हरारत दें तो इस पर इसके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन खून की नालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं दूसरे दिन हार्ट और ये इक्कीस दिन इसके जिसम में अंडे के अंदर पूरा एक चिक्स बनता है और तकरीबन अठारह दिन तक ये मुकम्मल हो जाता है मुख्तलफ जिसम की शक्लें शुरू होती हैं और बनती हैं वनमन के अपना प्रोसेस मुकम्मल करते जाती हैं दर्जा हरारत के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नमी जो नमी है सेटर में हम इसको 65 डिग्री मेंटेन करते हैं और जो हैचर है इसमें इसको 74 से लेके 80 तक रखते हैं इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक ख़ास नमी इसमें दरकार होती है और आखिरी दिन में हम नमी को इसलिए बढ़ा देते हैं कि जो इसका शेल है वो नमी से भर जाए मॉइस्ट हो जाए कि अंडे चूजे को अंडे से बाहर निकलने या उसको खोल तोड़ने में आसानी हो जाए जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी पोजीशन तलबा आपने देखा होगा कि जब आप अंडा खाते हैं तो उसके दो सिरे हैं एक जो सिरा है वो बड़ा है जिसको हम ब्रॉड एंड कहते हैं और एक बरक है जिसको हम एंड कहते हैं जो बड़ा सिरा है इसमें अल्लाह एक खास एयर सेल कहते हैं एक स्पेस रखी है कि जिसमें से जो अंडा एक जिंदा चीज़ है वो एक सांस लेता है इसमें ताज़ा हवा अंदर जाती है और गंदी हवा ऑक्सीजन वगैरह बाहर निकलती है तो जो ब्रॉडर हैंड है उसमें एयर सेल होता है वो उससे हवा की जो अंडे के अंदर से बाहर से गैसेस का तबादला होता है तो इसलिए ये ब्रॉडर हैंड हमेशा ऊपर होना चाहिए अगर ये नीचे होगा तो वो मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाएगा जो उसमें पोर्स हैं वो बंद ऊपर से कवर हो जाएंगे जो मेड जो भी एच डी की स्ट्रक्चर है तो वो सांस नहीं ले सकता तो उसकी वजह से जो उसके अंदर एम्ब्रियो है या जर्मिनल डिस्क है जो कि एक बुनियादी साख है वो डेड हो सकती है इसलिए हमेशा जो इसकी स्ट्रक्चर है बड़ा हिस्सा है वो ऊपर होना चाहिए और नैरो ऐसे होना चाहिए है, हैचरी के अंदर इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है इसकी टर्निंग है टर्निंग जो है चिकन की ये 40 ए नाइन्टी डिग्री पे करते हैं और इसको जो इसकी टर्निंग है ये दिन में मिनिमम चार दफ़ा होनी चाहिए लेकिन जो कमर्शियल हैचरीज हैं वो एटीन जब ट्वेंटी फोर आर भी करती हैं ये डिपेंड करता है लेकिन मिनिमम फोर टू तो सिक्स या एट टाइम टर्निंग काफ़ी है अगर आपके अंडे की ये एक स्ट्रक्चर है इस तरह आपने अंडा लगाया ये उसका ब्रॉडर हैंड है तो उसकी ऐसे एक टर्निंग फोर्टी डिग्री पर होगी और दोबारा उसको फोटी पे आ गई फिर इसी तरह इस तरफ 45 पे चलेगी ये इसकी टर्निंग पोजीशन है आप उसको 180 पे रोटेट नहीं कर सकते अगर ऐसे हो तो उसकी जो रेस्परेटरी सिस्टम है जिलीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं बर्ड सांस नहीं ले सकता और डेवलपिंग एमरियो डेड हो जाता है नॉर्मली हम 45 पे करते हैं और इसी तरह इसकी मूवमेंट होती है अगर आप कमर्शियल हैचरीज हैं उसमें ऑलरेडी ये सेटिंग अवेलेबल होती है आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है और इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट हैं वो एक हैचरी कंस्ट्रक्शन से पहले का है कि अल्टीट्यूड हमेशा जो अगर आप सतह समर पे बात करें तो वहाँ पे अगर सी लेवल पे हैं तो वहाँ पे ज़ीरो फिट हाइट है अगर आप ऐसे ऊपर जाते जाएं तो वहाँ पे हाइट बढ़ती जाती है जो रिकमेंडेड सी लेवल है फॉर हेचरी के लिए वो पच्चीस सौ फिट रिक्वायर है कि आप सतह समर से पच्चीस फिट सौ फिट तक जाएंगे तो वहाँ पे आप हैचिंग कर सकते हैं अगर इससे ज़्यादा जाएं तो आपकी हैचिबिलिटी कम आएंगे इसमें बुनियादी ये है कि हजू जो आप हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है और वो डेवलपिंग एम्बरी को भी कम मिलती हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और हैचिबिलिटी कम आती है इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इस पॉइंट को अगर आपने करना है इससे ज़्यादा अल्टीट्यूड पर करना है तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर दरकार है ये एक लहदा पॉइंट है लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से पहले का कंसिडर पॉइंट है आपने एक दिन से ले कर अठारह दिन तक इसको सेटर में रखा क्योंकि सेटर में एक खास स्ट्रक्चर होती है और उसके बाद लास्ट तीन दिन उन्नीस बीस इक्कीस दिन आप इसको हैचर में ले जाते हैं हैचर की जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक बॉस्कट की तरह है कि अगर वहाँ पे अंडे से चिक्स ने निकलना है तो उसको नीचे स्पेस दरकार हो कि वहाँ पे वो ईज़िली मूव कर सके या रुक सके अब सेटर में ऐसी होती है कि अगर वहाँ पे ये हैचिंग हो तो एक अगर अंडा गिरता है तो वो दूसरे में और सारी है सेट हैचर को सेटर को ख़राब कर देता है तो इसलिए सेटर की स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है लाई के दराज जैसे आपके एक अलमारी है उसमें द्राज हैं और बहुत सारे हैं तो इसी तरह एक्स को वहाँ पर रखते हैं और उसकी तीन दिन वहाँ पर रखते हैं और टेम्परेचर जो सेटर है उससे पॉइंट फाइव पॉइंट एट कम कर देते हैं और नमी को बढ़ा देते हैं कि वो माइस्ट हो और वहाँ पे इसकी पिपिंग हो के जो चूजा है वो बाहर निकल आए पिपिंग मीन एक प्रोसेस है जिसमें चूजा अपने परों और चूच की ताकत से हरकत करता है और वो शेल को तोड़ के बाहर आ जाता है ये नॉर्मली आखिरी इक्कीस दिन में होता है और जब ये हैचिंग होती है तो हम वहाँ पे हैचरी में हम चूज़े को बारह से चौबीस घंटों के लिए रखते हैं और इसको वहाँ से जो है निकाल के हम उसके जो डब्बे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट करना होता है उसमें डालते हैं और जो खोल हैं उनको उनसे लदा कर देते हैं और उसको एज ए वेस्ट हम इसको डैमेज कर देते हैं हैचर के बाद चूज़ों को डब्बे में डाला जाता है और इनको एक बड़े हॉल में ले आता है उस जहाँ पे एक ख़ास टेम्परेचर और नमी होती है क्योंकि अब लास्ट मरहला है यहाँ पे चूज़ों की ग्रेडिंग की जाती है ग्रेडिंग चूज़ों को ए बी सी के रेफरेंस से किया जाता है जो मार्केट किया जाता है उसमें ए क्वालिटी चूज़ा ही मार्केट किया जाता है और जो ये पैकिंग जो नॉर्मली करते हैं एक डब्बे में 100 हंड्रेड एक सौ रखते हैं और दो चूज़े यानी कि टू परसेंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसलिए एक डब्बे में इसकी जो पैकिंग है एक सौ दो चूज़ों की होती है और इसमें जो चूज़े वीक हैं जिनका कोई हिस्सा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ या नॉर्मल नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाता है सिर्फ ए ग्रेड हेल्थी चूज़ों को ही पैक किया जाता है और इसमें यहाँ पे बर्ड को परिंद चूज़ों को कुछ घंटों के लिए रखा जाता है और जहाँ जहाँ फार्म पे भेजना होता है वहाँ पे इसको थ्रू ट्रक के जरिए भेज दिया जाता है ये इसका ग्रेडिंग प्रोसेस है अगर तो ब्रायलर की हैचरी है या ब्रायलर का चूज़ा है तो उसमें नॉर्मली जो चूज़े आते हैं हम उसमें एक ग्रेड चूज़ा सेलेक्ट करके उस मेल और फीमेल नर और मादा दोनों को की तमीज़ किए बग़ैर सेल कर देते हैं लेकिन अगर चूजा लेयर का है या ब्रीडर का है तो लेयर और ब्रीडर से हमने अंडे लेने होते हैं तो अंडे लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें सिर्फ फ़ीमेल ही फार्मर को चाहिए होती हैं मुर्गियाँ है, सिर्फ़ मादा ही चाहिए होती है सेक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें परिंदों की सेक्सिंग की जाती है मेल और नर और मादा को अलहदा अलहदा किया जाता है दो तरीके हैं एक से इसमें वेंट सेक्सिंग है जिसमें इसकी जो यहाँ से बर्ड वेंट्स है वहाँ पे एक रोडीमेंट्री स्ट्रक्चर है उसको महसूस किया जाता है दूसरा है परों के ज़रिए परों में नॉर्मली ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऊपर और नीचे के पर अगर दोनों ये सेम है उनकी स्ट्रक्चर दोनों की सेम है तो इसको मेल है अगर ऊपर के नीचे की स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसको मादा कहा जाता है तो इस बुनियाद पर ये जो सेक्सर है इसको सेक्सिंग करते हैं और इसी वजह से वो आगे सिर्फ मादा को ही सेल करते हैं अजीज अज़ीज़लबा ये कमर्शल हैचरी के बारे में एक मुकम्मल तारफ था जिसमें हमने अंडे से लेकर चूजे की सेक्सिंग तक बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके इलम में इजाफ़ा करेगा इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं शुक्रिया ख़ुदा हाफिज